हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज की सीरीज़ में आज हम एलसीएम का फार्मूला पढ़ेंगे। और इस फार्मूला का फंक्शन क्या है एक्सेल में, ये जो फार्मूला है ये कैलकुलेट करता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मींस नंबर। एलसीएम कैलकुलेट करता है बहुत सारे नंबर्स का, जो एक स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए वो स्मॉलेस्ट नंबर जो बहुत से नंबर से डिवाइड हो सके, जो हमने इसको दिए होंगे इसके सिंटेक्स में। अच्छा, इसके सेंटेक्स में हम सिर्फ नंबर्स दे सकते हैं और उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो 29 नंबर्स तक है। तो हम बहुत सारे नंबर्स का बहुत ही इजी मेथड से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एलसीएम आता है, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा रिकॉल कर लूँ कि एलसीएम क्या है। बहुत से लोग जो हैं वो एलसीएम को कहते हैं कि लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन फैक्टर, पर ये लोवेस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है बल्कि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। क्या आपको पता है कि 4 का मल्टीपल क्या है? सबसे पहले हम, जैसे कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो सबसे पहले हम मल्टीपल को समझते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। आप मुझे ये बताइए कि 4 का मल्टीपल क्या है, 2 टू द 4, या फिर 6 का मल्टीपल क्या है, 2 3 द 6। बिल्कुल गलत। बेसिकली यही फैक्टर कहलाते हैं, ये मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल क्या है, अगर हम 4 के मल्टीपल्स देखें तो 4 के मल्टीपल्स हैं 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। तो ये 4 के मल्टीपल हैं। इसी तरह 6 के मल्टीपल क्या हैं, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48 एंड सो ऑन। ये बहुत आगे चल सकते हैं, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो ये होते हैं 4 के मल्टीपल्स। तो हम इसे फैक्टर क्यों कहते हैं, मींस हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है इसको, बहुत से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। वो एलसीएम तो डिफरेंट मेथड से निकाल सकते हैं, एलसीएम के निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं मैथ में, लेकिन जो बहुत ही बेसिक मेथड है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 6, अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2, फिलहाल इवन है तो इसलिए 2 से, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 2 द 4, 2 3 द 6, जब तक मल्टीप्लाई करो जब तक 1 आ जाए। इसी तरह दोबारा 2 लिखा, फिर 1 लिखा, 2 1 द 2, इस तरह फिर 3 यहाँ उतार दिया, इसके बाद 3 दोबारा लिखा, 1 as it is एंड 3 1 द 3। तो लास्ट में जब तक 3 ना आ जाए हमने मल्टीप्लाई करते रहना है। और लास्ट में हमने क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो हमारा एलसीएम आ जाता है। ये मेथड जो है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तरीका जो है, बेसिकली बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, और वो इसको फैक्टर मान लेते हैं। तो एलसीएम का मतलब है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है ये हमने समझा, कि अगर हमें 4 और 6 के मल्टीपल देखने हैं तो ये 4 के मल्टीपल्स हैं और ये 6 के मल्टीपल्स हैं। अब हमें ये पता करना है कि कॉमन क्या है। कॉमन ये वो नंबर होते हैं जो इन दोनों के मल्टीपल में एक जैसे हैं, मीन्स अगर 4 के और 6 के कॉमन मल्टीपल हम देखें तो यहाँ पर 8, पर यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 16 नहीं है, 18 लिखा हुआ है, यहाँ पर 24 है पर यहाँ पर भी 24 है। तो इन दोनों के कॉमन कौन कौन से हुए, एक 12 हुआ फिलहाल जो सबसे छोटा है, और एक 24 हुआ, तो इसे कॉमन कहा जाता है। और ये जो कॉमन होते हैं ये भी इनफाइनाइट होते हैं, ये भी ख़त्म होने वाली वैल्यूज या नंबर्स नहीं हैं। तो ये हमने देखा कि कॉमन्स क्या होते हैं। अब हमें पता करना है कि लोवेस्ट क्या होता है। इसकी ऑब्वियस सी बात है, पूरी जो एब्रिविएशन है वो ये है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल जो 4 से मल्टीप्लाई होते हों, और कॉमन जो है वो इन दोनों के मल्टीपल्स में जो कॉमन नंबर है, जो एक जैसे नंबर हैं, उन्हें कहा जाता है। तो लोवेस्ट ये है, लोवेस्ट का मतलब है कि जो सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल्स नंबर हैं
वो कौन से हैं। सपोज कीजिए मैं इसको ए बोल देता हूँ और इसको बी बोल देता हूँ, तो वो इन दोनों के टेबल में, सपोज कीजिए इन दोनों के टेबल में वो कौन से कॉमन मल्टीपल नंबर हैं जो इन दोनों से डिवाइड हो सकते हैं, वो कौन से छोटे नंबर हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में सबसे छोटे LCM मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स नंबर कौन से हैं जो ए और बी दोनों से डिवाइड हो सके, तो उसे ही LCM कहा जाता है। अब इन दोनों में कॉमन्स तो बहुत हैं, लेकिन जो सबसे लोवेस्ट हैं वो है 12, तो 4 और 6 का LCM बनता है 12, जैसे कि हमने यहाँ निकाला। तो बेसिकली इसका प्रोसेस इस तरह होता है। तो अगर आपको किसी नंबर्स का LCM निकालना है, तो अगर आपको इस तरह नहीं लिखना, तो आप सपोज़ कीजिए अगर वो दो नंबर्स इस तरह लिखे हैं, तो आप पहले एक तरह से जहन में सोचते हैं कि भाई 4 के टेबल में 4 आता है पर 6 के टेबल में नहीं आता, इसी तरह 6 के टेबल में 6 आता है पर 4 के टेबल में नहीं आता, फिर आप सोचते हैं कि 8 यहाँ आता है पर वहाँ नहीं आता, फिर आपके जहन में आता है कि 12 यहाँ आता है और 6 के टेबल में भी 12 आता है और इससे पहले वो कोई नंबर नहीं है, तो वही आपका LCM कहलाता है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल नंबर। तो जो इतना बड़ा प्रोसेस है कैलकुलेशन का मैथ में, इसको हम एक्सेल में इस एक फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं और आपने LCM निकालना है, तो आपने एक्सेल में जस्ट एक फार्मूला पुट करना है और LCM आपके सामने होगा। अगर यही काम हम एक्सेल में करें तो किस तरह करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ LCM का फार्मूला। अगर आपको सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर निकालने, जैसे कि ये दो नंबर्स लिखे हैं 6 और 20, अब मुझे देखना है कि इन दोनों के मल्टीपल्स में वो कौन से सबसे छोटे नंबर्स हैं जिनसे ये दोनों डिवाइड हो सके, तो उसके लिए मैंने ये फार्मूला लगाया है और इनके सेंटेक्स में हम नंबर्स दे सकते हैं। तो इसमें मैं फ़िलहाल दो नंबर दे देता हूँ, आप बहुत सारे दे सकते हैं, 29 तक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर ये देखिए 60 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो सकता है, ये तो इन दोनों के टेबल में आ सकता है। इसी तरह ये 12 है, ये 18 है, इसके भी हम देख सकते हैं, जस्ट ड्रैग करना है। तो ये देखिए 36, इसी तरह इन दोनों के जो कॉमन मल्टीपल है वो ये है। आपको अगर इसी तरह अगर हम 4 6 का देखना चाहें, जैसे कि हमने अभी पुट किया, तो इसका आंसर आना चाहिए 12 जैसे कि आया। अगर आपको दो से ज़्यादा कोई नंबर पुट करवाने हैं इस फॉर्मूले में, तो वो भी आप कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिखा इसी तरह 16, कोई भी नंबर दे सकते हैं, इसके सेंटेक्स में मैं ज़रा नंबर्स बढ़ा लेता हूँ। और ये देखिए ये इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है इन सब नंबर्स का। तो इस तरह आप बहुत सारे नंबर्स का एक फार्मूले के थ्रू एक क्लिक पे LCM निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी मेथड है LCM निकालने का एक्सेल में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे आप लाइक करें, इसे शेयर करें, इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया जितना आने वाला कंटेंट है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।